Hi friends, welcome back to Usha's designer house. In this video I have come up with making a shawl collar. ये मेरा लॉन्ग ब्लाउज है. शॉल कॉलर ब्लाउज में बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही हमें अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है. बस गला आगे से वी शेप पे कट करना है और गले की गहराई मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है. बाकी पूरा ब्लाउज मैंने नॉर्मल कटिंग ही किया है जैसे हम करते हैं. बस खाली इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गले की शेप वी होनी चाहिए और गले की गहराई 7 इंच. सबसे पहले हम गले की गोलाई मापते हैं. गले की गोलाई है हमारी 21.5 इंचेस. तो सिलाई में जाने के लिए हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हम 22 का हमारा गले की गोलाई पकड़ेंगे. हमारी गले की गोलाई थी 21.5 इंचेस. हम इसमें 5 इंचेस ऐड करेंगे सिलाई का तो 22 हो जाएगा. हम 22 का हाफ लेंगे 11 मार्क लगाएंगे और कॉलर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच. फिर यहाँ से एक सीधी लाइन फिर इसे हमें यहाँ पे शॉल कॉलर का शेप देना है इस तरीके से. जो आपको लगे कि जो शेप आप देना चाहते हैं वो शेप इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट रखना है. यहाँ पे जॉइंट रहेगा हमारा फैब्रिक. अब हम कट करेंगे. अब हम इसे इस तरीके के 2 पीस हम फैब्रिक पे और 1 पीस हम पेपर कैनवास पे कटिंग करेंगे. मैंने पेपर कैनवास कटिंग करके इसकी रोंग साइड पे फैब्रिक की रोंग साइड पे चिपका लिया है और ये फैब्रिक काट लिया है इसी के बराबर माप का. अभी हमें राइट साइड अंदर की तरफ रखना है और रोंग साइड बाहर की तरफ. और हमें यहाँ पे मशीन सिलाई लगानी है. पहले हम इसे यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे फिर दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ेंगे. मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है. अभी हम यहाँ पे कट लगाएंगे. इस वीडियो में मैं आपको इतनी डिटेल से सब चीज़ें नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर आप शॉल कॉलर सिल रहे हैं यानी आपको बेसिक सिलाई आती ही है. अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या मेरा वीडियो समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और भी इजी तरीके से बता सकूँ. इसी तरीके से हमें पूरी गोलाई में कट लगा लेना है ताकि हमें ये कपड़ा उतरने में आसानी हो. इसे उलट के प्रेस कर लीजिए ताकि फिनिशिंग आ जाए. और जहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे काट दीजिए ताकि लगाते समय सुविधा रहे. इस पर जो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे भी काट के निकाल दीजिए. अभी इसके मिडल में हमें निशान लगाना है. और हमारा ये जो गला है
इसके भी मिडल में हमें निशान लगाना है। अब हमें शोल कॉलर अंदर की साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट मशीन से लगाना चाहते हैं तो मशीन से लगाएं, नहीं तो आप कच्चा कर सकते हैं पहले फिनिशिंग के लिए। मैंने उल्टी तरफ से एक टाका लगा लिया है और इसे अब सीधा करके इस तरीके से हमें इसे सिलाई लगानी है। मैंने बाहर की तरफ भी सिलाई लगा दी है, अब इसे सेट करना है। हमारा शोर कॉलर बनके तैयार है। ये डबल कलर में और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे एक सिंगल मोती लगा सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा स्टोन लगा सकते हैं, इससे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने साड़ी की मैचिंग की लेस लगा सकते हैं, चाहे तो गोटा पट्टी लगा सकते हैं। जैसे आपकी साड़ी में डिजाइन है, वर्क है, उसके हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं गोल्डन या सिल्वर कलर यूज करके। शोर कलर डबल कलर में और भी ज़्यादा प्यारे लगता है, लेकिन मुझे ये सिंगल कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सिंगल कलर में ही इसे बनाया है। आप चाहें तो इसे डबल फैब्रिक में बना सकते हैं, डबल कलर के फैब्रिक में बना सकते हैं। आप अपने पसंद और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर यूज कर सकते हैं।